व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। मशरूम से कई सारी चीज़ें बनती हैं और उसमें से एक मेरी फेवरेट रेसिपी है मशरूम मसाला, जो रेस्टोरेंट वाली वाइब देता है लेकिन बनती है एकदम घर के तरीके से। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह मसालों के साथ भून के उसके अंदर फिर रिच करने के लिए क्रीम या बटर नहीं डालता हूँ मैं, काजू की पेस्ट डालता हूँ। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ये वाली रेसिपी में और एकदम रिच सी ग्रेवी बनती है। साथ में उसमें मशरूम, अगर आपको पसंद आए तो आप मटर भी डाल सकते हो और मटर मशरूम मसाला बना सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही डिलिशियस बनती है। मशरूम मसाला बनता कैसे है देख लेते हैं। एक हांडी में एक टेबल स्पून तेल और एक टेबल स्पून देसी घी ऐड कीजिए। तेल और घी गर्म हो जाए तब इसमें हाफ टी स्पून जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर आपको प्याज को भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते, अच्छे से भून नहीं जाते। इस प्रोसेस को लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, तो अच्छे से प्याज को भून लीजिए। एक बार आपने प्याज को अच्छे से भून लिया है तब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट ऐड कीजिए। अब लहसुन और अदरक को भी आपको अच्छे से भूनना है। इस प्रोसेस में जो प्याज है वो थोड़े से और भून जाएंगे और थोड़ा सा और डार्क कलर इनमें आ जाएगा, तो 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छे से भून लीजिए। एक बार आपने लहसुन और अदरक को भी भून लिया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए और इसमें अब कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये बेसिक मसाले अपने ऐड करने, एक पानी का छींटा मार देना है कि मसाले जले नहीं और मसालों को हम आसानी से भून पाएँ। अच्छे से स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को इस स्टेज पर भून लीजिए। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तब इसमें 3 चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है कि टमाटर आसानी से जल्दी गल जाएं। अच्छे से आपको स्टर कर देना है और यहाँ पर अभी मैं ढक्कन लगा रहा हूँ और फ्लेम को थोड़ा मीडियम लो पे कर रहा हूँ ताकि टमाटर जो है आसानी से जल्दी गल जाएं। ढक्कन लगाने की वजह से वो जो स्टीम अंदर होगी उससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। बीच बीच में आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं और हल्का सा स्टर कर सकते हैं। अगर लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो पानी भी ऐड कर सकते हो। टमाटरों को अच्छे से भून लीजिए जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाले में से तेल और घी सेपरेट नहीं हो जाता। तो लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, एकदम रल गए मसाले के साथ और तेल और घी भी जो है वो छूट चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। अब 1/2 कप दही लेना है, दही को अच्छे से फैट लेना है, इसमें वो लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ दही रहना चाहिए। इस दही को ऐड कीजिए, कंटिन्यूसली स्टर कीजिए लगभग 1 मिनट के लिए कि दही मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। लो फ्लेम पर अच्छे से फैट के आप दही डालोगे और कंटिन्यूसली स्टर करोगे तो दही फटता नहीं है। एक बार 1 मिनट के लिए आपने अच्छे से स्टर किया है तो फ्लेम को फिर से हाई पे कर दीजिए और दही को भी अच्छे से आपको पकाना है 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि दही जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। बीच में अगर मसाला काफ़ी ड्राई हो जाता है तो हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं फर्दर कुक करने के लिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो दही एकदम अच्छे से पक चुका है, तेल और घी सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर इसके अंदर मैं काजू की पेस्ट डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर 15 से 18 काजू को मैंने गर्म पानी में भिगोकर पेस्ट बनाकर रखा था, वो ऐड किया है। इससे काफ़ी रिच टेस्ट आ जाता है, काफ़ी रिच कंसिस्टेंसी आ जाती है ग्रेवी के अंदर, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से स्टर कीजिए। यहाँ पर आप काजू की पेस्ट के बदले काजू का पाउडर भी बना के डाल सकते हो, उससे भी एक अलग सा टेक्सचर आता है ग्रेवी में और बहुत ही अमेजिंग ग्रेवी बनती है, एकदम रिच वाली। तो अच्छे से स्टर करते हुए बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई है। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मशरूम ले लिए हैं, अच्छे से एकदम साफ कर दिया है इन्हें, अच्छे से धो लिया है, इन्हें ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। अब मशरूम को अच्छे से आपको मिला लेना है ग्रेवी के साथ। एक बार आपने अच्छे से स्टर कर लिया है तो यहाँ पर ढक्कन लगा दीजिए, मीडियम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए आपको पकाना है। बीच में चाहें तो आप स्टर कर सकते हो। यहाँ पर होगा ये कि मशरूम जो है वो अच्छे से पक जाएंगे, थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे ग्रेवी के अंदर, थोड़ा सा ग्रेवी का जो टेस्ट है वो मशरूम में आएगा, एकदम परफेक्ट मशरूम मसाला रेडी हो जाएगा बस 7-8 मिनट में। 7-8 मिनट बाद आप ढक्कन निकाल कर चेक कीजिए, आप देख सकते हो कि मशरूम्स ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया था तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है, पानी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर आपको बस टेस्ट कर लेना और नमक एडजस्ट कर लेना अगर नमक कम है तो। लास्ट में इसमें 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी होममेड गरम मसाला और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है सारी चीज़ों को। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है ये मशरूम मसाला, और ये हमारा मशरूम मसाला रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट IFL स्टाइल।
मशरूम मसाला की आसान सी रेसिपी आप घर पे ट्राई करो और साथ में तंदूरी रोटी या लच्छा पराठा बनाओ, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस अमेजिंग मशरूम मसाला रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।